नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हाजिर हूँ फिर से एक नए अपडेट के साथ में। और आज का ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कंट्रोवर्शियल होने वाला है। कई लोग हो सकता है कि इसको क्रिटिसाइज करें, कई लोग इसके अगेंस्ट मोर्चा खोल दें। तो समझने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा क्या बोलने वाली हूँ, ऐसा क्या सजेस्ट करने वाली हूँ जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली है। एक्चुअली हमारे पास जो लोग आते हैं बच्चों को लेकर के, कोरोना के बाद से तो और भी ज़्यादा ये संख्या बढ़ी है, जहाँ पेरेंट्स परेशान हैं बच्चों के गेम खेलने से। और हम लोग भी मना करते हैं, जाहिर सी बात है कि एक छोटा दिमाग, एक बच्चा अगर गेम खेल रहा है तो वो नुकसान पहुँचाएगा अपने आप को, वो उसको पता नहीं है ना लिमिटेशन, वो एडिक्ट हो जाएगा। बट गेम को इतना भी नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आप उस गेम को यूज करना जानते हो और अपनी पर्सनैलिटी पर कंट्रोल लाना जानते हो। मतलब कि अगर आप में थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है तब ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप इस वीडियो से चले जाएं। अगर आप छोटे बच्चे हो तो सिर्फ गेम को देख करके थंबनेल में और टाइटल में आप इस वीडियो पे ना आएं। बच्चों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों से मेरा मतलब है एक मैच्योर माइंड और एक अनमैच्योर माइंड जो होता है उसके बीच का डिफरेंस। तो जो मैच्योर माइंड के लोग हैं, जो थोड़ा सा समझदारी रखते हैं, वो इस वीडियो पे बने रहें, उनके काम की ये चीज़ है। तो गेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्किल्ड करती है, जो आपको बहुत सारे बेनिफिट देती है, चाहे वो गेम आउटडोर हो, इंडोर हो या हो वीडियो गेम। लेकिन वीडियो गेम के साथ दिक्कत क्या आती है कि उसमें बहुत से विजुअल इफेक्ट होते हैं, कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं जो बच्चों को थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि आप बाहर की दुनिया से खो जाते हो तो एक एडिक्शन भी पैदा करते हैं। बाहर के जो भी हम आउटडोर गेम खेलते हैं वो एडिक्शन बहुत कम पैदा करते हैं, वो एक तरह से बॉडी को एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं, थकाते हैं, तो ऐसी भी एनर्जी लेवल जब खत्म होती है तो हम उस गेम से बाहर आ जाते हैं। बट वीडियो गेम के साथ ऐसा नहीं होता। जो लोग भी इस गेम को खेलते हैं, वीडियो गेम वगैरह को, तो उनको पता होगा कि वो जब सोते हैं उस टाइम पर भी उनके दिमाग में गेम चलने लगता है कई बार। लेकिन इस वीडियो गेम का इस्तेमाल क्या हो ये हमें कोई नहीं बताता, और इस चीज़ को कैसे हम यूज करके अपने आप को एक अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं, अपने बहुत सी कमियों को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा नहीं होती। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसके ऊपर फोकस कर सकूं और इसका आप इस्तेमाल कैसे करें मैं इसके बारे में बता सकूं। एक गेम है टेम्पल रन, सब लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने खेला है इसे। टेम्पल रन जब आप खेलते हो, हालांकि और भी बहुत से गेम हैं, मैं समझाने के लिए टेम्पल रन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। जब आप इस गेम को खेलते हो तो आप देखो कि आपको कितना ज़्यादा कंसंट्रेट होना होता है, आपको बहुत तेज़ी से डिसीजन लेना होता है, बहुत फटाफट आपको डिसीजन लेकर के अपने हाथों को मूव करना होता है, अपनी नज़रों को उस पर टिकाए रहना होता है, जरा सा चुके और आप आउट। तो अब अगर आपका कंसंट्रेशन खराब है, आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हो किसी चीज़ पे, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, हाइपर एक्टिव हो बॉडी के लेवल पे, उस टाइम पर भी अगर आप इस गेम को खेलते हो और वहाँ पे जब आप इन सारी चीज़ों पे काम करते हो और एक अच्छा लेवल पाने लगते हो तो ये आपके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपके डिसीजन मेकिंग पावर को इन्हेंस करेगा। आप क्विक एक्शन ले पाओगे, आपके ब्रेन का और आपके बॉडी के बीच का जो तालमेल है वो इम्प्रूव कर जाएगा। तो गेम को खेलने का तरीका सीखें, टाइम लिमिट उसका समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी गेम को जब आप खेल रहे हैं, स्पेशली वीडियोस गेम में जब आप आते हैं, तो इसको कभी भी पूरे 24 घंटे में 2 घंटे से ज़्यादा ना होने दें। हालांकि 2 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, बट फिर भी मैं इसलिए 2 घंटा रख रही हूँ। कई बार हम थोड़े से तो एडिक्टेड हो ही जाते हैं, तो वहाँ पे 2 घंटे का टाइम लिमिट दिया जा सकता है, बट उसके 1 घंटे के आसपास रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 2 घंटे के लिए ले करके जाएं। या फिर पढ़ाई के दौरान में जब आप परेशान हो गए, पढ़ते पढ़ते थक गए, कंसंट्रेशन आपका लूज हो रहा है, उस टाइम पर थोड़ी देर के लिए आप इसको इनकॉर्पोरेट करें। आप देखोगे कि आपका ब्रेन एक्टिव हो गया, लेकिन थोड़ी देर के लिए। अगर आपने इसको ज़्यादा देर के लिए कर लिया तो यही आपके ब्रेन को फिर से एग्जॉस्ट भी कर देगा। तो एक लिमिटेड अमाउंट में जब आप किसी भी तरह के ऐसे गेम को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, अपने डेली रूटीन में, जिसमें आपको कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, तुरंत तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट देगा। बट यहीं पर एक गेम आ जाता है, फ्री फायर। इसको बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्री फायर गेम एक इस तरह का गेम डिज़ाइन किया गया है जो एडिक्शन ही पैदा करता है। इसमें लर्निंग का क्या एस्पेक्ट है, उसमें क्या चीज़ें आपकी इम्प्रूव होंगी, उसको इग्नोर कर देना बेहतर है, क्योंकि जो उसके साइड इफ़ेक्ट हैं वो ज़्यादा वर्स्ट हैं। जितने भी लोग आते हैं मेरे पास जो डिस्टर्ब हो चुके हैं गेम के कारण, उसमें फ्री फायर सबसे टॉप में है।
वो पर्सनालिटी को ऐसा बना देता है जिसमें एंजाइटी इंक्लूड हो जाती है। तो जहाँ एक गेम खेलना आपको काम दे सकता है, वहीं दूसरा गेम आपको नुकसान भी दे सकता है। तो इस चीज़ को समझें, कौन सा गेम खेले, क्या है उसका स्ट्रक्चर, इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करें एंड देन उसको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। और जो भी गेम आपको कंसंट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग पे काम करवाने वाला हो, उस गेम को आप बिल्कुल खेल सकते हैं। और अगर आपके पेरेंट्स रोकते हैं तो आप उनको ये वीडियो दिखा दो, उनको समझाओ, मेरा डिजिग्नेशन समझाओ कि मैं इन चीज़ों को डील करती हूँ, तो शायद वो कन्विंस हो जाएं। हालांकि अगर आप उनको गेम खेलने के लिए दोगे और उनको वो चीज़ें समझ में आएंगी तो भी वो कुछ कन्विंस हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स जनरली इतना डायनेमिक होते नहीं हैं। एनीवे, होप कि आप ये बात समझ पाए होंगे कि आपको गेम की लिमिटेशन कैसे तय करनी है, कौन से गेम खेलने हैं, कौन से नहीं खेलने हैं, और वीडियोस गेम को इंटरटेनमेंट के बजाय इम्प्रूवमेंट के एटीट्यूड से खेलें, इस बात पर फोकस करें। बहुत लंबा नहीं जाएं, अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा खेल रहे हो तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लो कि आप एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। और गेम चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो एडिक्शन की तरफ मूव कर गया तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देगा। तो नुकसान से बचना भी है और फ़ायदा भी उठाना है, यही टेंडेंसी होनी चाहिए एक डायनेमिक पर्सनालिटी में। तो गेम खूब खेलें, अच्छे से खेलें, लेकिन लिमिटेशन के साथ खेलें। होप कि वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको पता है कि आपको लाइक एंड शेयर करना है। आती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।